नमस्कार दर्शन, आज के सेक्शन में हम AI EEE 2010 से ये लिया गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड लेट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4/13 वेयर अल्फा कोमा बीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/4 देन tan टू अल्फा इज इक्वल टू। तो आपको क्वेश्चन में tan टू अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में आपको tan टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इस tan टू अल्फा को अरेंज करता हूं। देखो किस तरीके से अरेंज करता हूं मैं, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखो अल्फा प्लस अल्फा 2α हो गया, मैंने क्या किया बीटा ऐड कर दिया और बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? अब अल्फा प्लस बीटा को आप ए मान लो और अल्फा माइनस बीटा को बी मान, तो यहां से आपका फॉर्मूला अराइज होता है टेन ए प्लस बी का, ठीक है? तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वी नो दैट टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमारे पास tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो देयरफॉर tan 2 अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, tan a दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? फिर प्लस tan b दैट इज tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा और इनटू में tan अल्फा माइनस बीटा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है? ये दो वैल्यू आ जाएंगी तो हम इसमें पुट करके tan टू अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्वेश्चन में गिवन है कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, इन दोनों की हेल्प से हम इन दो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5। देखो इसको आप कंप्लीट एंगल मान लो, कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो मैं यहां एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? ये मेरे पास ट्राइंगल हो गया, मान लो ए बी और सी है, ये जो एंगल है वो आपका अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा की अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है? ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, तो हमें बेस तो दे ही रखा है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो इसका स्क्वायर कर लो 25 में 16 माइनस कर दो 9 बच गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से हम tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो tan की इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना 4, ये मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है? अब हम tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, sin अल्फा माइनस बीटा की, तो ये भी गिवन है sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है 5/13, ये आप थीटा मान के चलो, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें बेस फाइंड आउट करना है, तो फिर से एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लो, ठीक है? ए बी एंड सी, ये एंगल ले लो आप अल्फा माइनस बीटा, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम बेस को फाइंड आउट कर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में 25 माइनस करेंगे तो 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12 आ गया, तो ये आपका बेस आ गया। यहां से हम tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 5/12। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सो टेन टू अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस बीटा 3/4, ठीक है, और प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा 5/12, और अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3/4 इंटू 5/12। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 में 4 का डिवाइड 3 टाइम, तो 3 3 9 प्लस 5, ठीक है। ऐसे ही नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लेंगे, 12 4 जब 48 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 48 माइनस 5 3 जब 50, तो ऊपर ऐड कर लो 9 और 4 14 अपॉन में 12, 48 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 48 अपॉन 48 में से 15 माइनस कर दो 33, 12 से 48 कट गया 4 टाइम, तो मेरे पास फाइनली 10 2 अल्फा इज इक्वल टू 14 4 जब 56 अपॉन 33, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।